पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमरोहा के टाउन हॉल मैदान में महागठबंधन की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अधिक संख्या में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने केवल पूरे 5 साल में जुमलों के अलावा कोई काम नहीं किया है। कुंवर ने कहा कि सपा बसपा के गठबंधन होने के बाद भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में समय बहुत कम है, इसीलिए आगामी 18 अप्रैल को गठबंधन के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर मुझे अपना सांसद बनाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली, MLC परवेज अली, जोनल कोऑर्डिनेटर राजकुमार गौतम, पूर्व मंत्री जगराम सिंह, रिफाकत हुसैन, हाजी हयात, बसपा जिलाध्यक्ष राम अवतार सिंह के साथ और भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संस्कृति के मैदान में एक तरफ मेरी किसी माँ ने पंडित रविशंकर को जन्म दिया तो मेरी किसी दूसरी माँ ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी जन्म दिया। अगर कोई एक माँ ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया तो दूसरी माँ ने इरफान पठान को भी जन्म दिया। अगर कोई एक माँ अमिताभ बच्चन को जन्म देती है तो दूसरी माँ आमिर खान और शाहरुख खान को भी जन्म देती है। ये मुल्क सब लोगों ने मिलजुल कर के बनाया और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, पिछले 5 साल से सिर्फ जहर बोने के अलावा, सिर्फ नफरत का माहौल खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं किया। और वो इसलिए क्योंकि वो जो झूठ बोल करके आए थे, वो जो जुमलेबाजी करके आए थे, लोग उनसे हिसाब ना मांग सके इसलिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी 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 बातें जो है लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जमहूरियत में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने सम्मान किया जब देश की जनता ने उनको पूरा निर्णय किया, हमने उसका सम्मान किया। देश की जनता को उम्मीद थी कि शायद आपने जो वादे किए हैं आप उस पर खरा उतरेंगे। आपने अच्छे दिन लाने का वादा किया, लोग इंतजार करते रहे। आपने हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख लाए काला धन डालने का, वापस ला करके डालने का वादा किया, लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने इस देश के किसानों से वादा किया कि हर किसान की आमदनी 1.5 गुना कर देंगे, लोग इंतजार करते रहेंगे। बजाय आमदनी 1.5 गुना करने के उल्टा खाद पर पैसे बढ़ाए और यूरिया के कट्टे में भी डंडी मार दी, 50 किलो की बजाय 45 किलो का कर दिया। नौजवानों से वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब नौजवान रोजगार मांगते तो कहते हैं IIT या IIM से फारिग होने वाले नौजवानों को भी कहते हैं अरे स्टूडियो के बाहर का पकौड़ा तलना ये रोजगार नहीं है क्या? शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर बजट जो है वो लगातार घटा दिया। ये वक्त है